देश की पहली महिला जासूस के नाम से मशहूर रजनी पंडित को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद रजनी को ठाणे के स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया। रजनी पंडित पर अपने क्लाइंट के लिए गलत ढंग से कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि CDR हासिल कर निजी कंपनियों को बेचने का आरोप लगा है। रजनी के अलावा पुलिस ने इस मामले में 6 तो उसके जो साथी सदस्य थे उनको भी गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि इस गठजोड़ में कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया है कि इस जासूसी कांड में कई बड़ी निजी बीमा कंपनियां भी शामिल है। तो ठाणे से ये गिरफ्तारी हुई है, कॉल डेटा रिकॉर्ड बेचने का आरोप लगा है रजनी पंडित, जो कि देश की पहली महिला जासूस है। लेकिन रजनी पर आरोप लगे हैं कि उसने गलत तरीके से कॉल डिटेल्स निकाली और फिर उनको आगे बेच दिया, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार जिन्हें बेचा गया है क्या उसमें वो तमाम डाटा था। इस पूरी मामले को लेकर पुलिस की तरफ से अब जांच की जा रही है। देश की ये पहली महिला जासूस थी जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया।